यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में रोस्ट करने वाले हैं पागल जोन को। ये दीदी जिन्होंने हर एक को मारने का ठेका ले रखा है, इनकी हर एक दो वीडियो के बाद ये किसी न किसी यूट्यूबर को मार ही देती है। पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी मैच को मार दिया, फिर ट्रिकेट इंसान को, एंड देन थगेस को। यूट्यूब पे कुछ लोग अच्छी वीडियो बनाते हैं और कुछ लोग क्रिंजी वीडियोस बनाते हैं। इन्होंने क्रिंज इंटू 10,000 करोड़ कर दिया भाई, कुछ अलग ही चल रहा है इनका। तो इन दोनों एक स्कीम बना रखी है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, की हर दो वीडियो के बाद एक ना एक यूट्यूबर को मार रही है, फिर चाहे किसी को भी मारो, बड़े बड़े यूट्यूबर सबको खत्म करना है एक एक करके। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, एक एक करके यूट्यूब से सारे यूट्यूबर्स को ऐसे हटा देंगी। पहले तो उन्होंने टेक्नोलॉजी मैच को मारा, एंड प्रोबेबली हो सकता है कि आने वाले वीडियो में फिर किसी बड़े यूट्यूबर को मार दें। वैसे ये दीदी शुरू से ये फालतू वीडियोस नहीं डालती थी, स्टार्टिंग में तो पहले यूट्यूब पे अपनी नॉर्मल वीडियोस डालती थी, जस्ट लाइक यूट्यूब से पहले इनकम कितनी मिली, फिर सेकंड कितनी मिली, थर्ड कितनी मिली, एंड यूट्यूब से नॉर्मली एजुकेशन वाले वीडियोस ही वगैरह कुछ डालती थी। जब इनकी एजुकेशनल वाली वीडियोस नहीं चली तो इसके बाद आया विनाश, वो लड़के वाला विनाश नहीं, ये वाला तबाही वाला विनाश। उस विनाश में बेसिकली इन्होंने जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे सबके ऊपर खतरनाक वीडियोस बनाना चालू कर दी, उन्होंने एक भी बड़े यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ा, सबके खिलाफ उन्होंने फालतू वीडियोस बनाना चालू कर दी। जैसे कि आप खुद देख सकते हो यार, कितनी सारी वीडियोस उन्होंने बना रखी है, जितनी वीडियोस सबके सब फालतू हैं, सब क्लिकबेट हैं। यूट्यूब की जितनी वीडियोस होती है उनमें थोड़े बहुत क्लिकबेट वगैरह तो चलते हैं, मैं खुद पर्सनली बहुत क्लिकबेट करता हूं, बट मैं इतना भी ज्यादा क्लिकबेट नहीं करता हूं कि उससे कोई भी ऑफेंड हो जाए। इन दीदी ने तो इतने सारे क्लिकबेट कर रखे कि भाई बिल्कुल तबाही मची पड़ी है यार। लाइक डिसलाइक रेशियो अगर आप किसी लिटरली भाई किसी वीडियो को देख लो, लाइक से तो ऑलमोस्ट ज्यादा ही होगा। इन दीदी ने व्यूज के लिए भाई अच्छी से अच्छी वीडियोस का भी रोस्ट कर दिया, जैसे लाइक अपने कैरी मिनाटी। बेसिकली उन्होंने कुछ टाइम पहले कैरी मिनाटी का जो वरदान सॉन्ग आया था उस पे भी एक रोस्ट वीडियो निकाला था। उन्होंने उस वीडियो में इस सॉन्ग के बारे में जो बोला आप खुद ही देख सकते हो। सो कल रात को कैरी मिनाटी का एक नया गाना आया था, मैंने वो गाना देखा नहीं, लेकिन मुझे ये चीज अच्छे तरीके से पता है कि उस गाने में भी कैरी मिनाटी ने अपनी तारीफ ही करी होगी। मैंने वो गाना देखा नहीं लेकिन मतलब कुछ भी चल रहा है भाई, दीदी ने उस सॉन्ग को देखा भी नहीं और फिर भी जज कर दिया, बिना देखे जज कर दिया कि सॉन्ग खराब है, मतलब कुछ भी चल रहा है, क्या चल क्या रहा है दीदी इस दुनिया में, ये तो बहुत ना इंसाफी कर दी कैरी मिनाटी के बारे में। वैसे देखोगे इनके चैनल पे तो आपको मिल जाएगी मोस्ट पॉपुलर, जाके चेक करना कितने सारे यूट्यूबर मर चुके हैं। रियलिटी में नहीं, सिर्फ इनकी वीडियोस के अकॉर्डिंग आप चाहते जाके चेक कर सकते हो। जो भी हो यार, इन दीदी ने ना पूरे यूट्यूब को हिला के रख रखा है अपने अच्छे कंटेंट की वजह से, नहीं आप लोग इनके कंटेंट को बस लाइक और डिसलाइक रेशियो को देख कर ही जज कर सकते हो। इतनी डिसलाइक है तो भाई वीडियो कहां से अच्छी होगी। और अगर आपको इनके बारे में और थोड़ा बहुत जानना है तो आप कमेंट्स पढ़ लेना किसी वीडियो के, इनकी वीडियो के ही सब पता चल जाएगा। एनीवेज हमें इन दीदी का ज्यादा रोस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि यार पता नहीं है दीदी मेरी वीडियो उड़ाए ना उड़ाए, यूट्यूब जरूर उड़ा देगा, मुझे पूरा शक है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब बेकार है। अगर पागल जोन वाली दीदी आप मेरी इस वाली वीडियो को देख रही हो तो मैंने इस वाली वीडियो को आपकी इस वाली वीडियो को देखकर बनाया है, देखो इन दीदी ने अपनी इस वीडियो में क्या कहा है। बाकी मैं जो भी मेरे लिए ऐसी वीडियोस बना रहा है मैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लूंगी कि ओ माय गॉड इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे बारे में झूठी अफवाह कैसे फैलाती, ऐसा कुछ नहीं है दीदी। अभी आपकी जिम्मेदारी, अगर मेरी वीडियो पे स्ट्राइक पड़ती है तो मैं इसका जिम्मेदार आपको ही मानूंगा। एनीवेज मैंने वीडियो सिर्फ एंटरटेनिंग पर्पस के लिए बनाई है।